प्यारे पेंशनर, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। यहाँ पे AIBRF की तरफ से जो हाल ही में क्वाइट इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 5 लाख बैंक रिटायरीज के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट उन्होंने सर्कुलर रिलीज़ करा है, वी कैन शेयर दैट एग्जैक्टली। सो उसमें काफ़ी पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं, उनको ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्विक मैनर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी द एग्जैक्ट सर्कुलर, काफ़ी लेंथी सर्कुलर है, सो आई विल ट्राई टू रैप इट अप इन 6 मिनट्स। सो ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से जो 9th ऑफ मेमोरेंडम ऑन पेंशन अपडेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स फॉर सबमिशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 5 लाख बैंक पेंशनर्स बाय ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन। तो ये है इसका सर्कुलर। इसमें आप प्रियम्बल में तो यू आप लोगों को सभी को पता है यहाँ पे जो हमारी पेंशन अपडेशन है वो फर्स्ट जनवरी 1986 से पेंशन लागू हुई है रेट्रोस्पेक्टिवली, और ये सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर मेजर है। व्हाट इज़ द अपडेशन ऑफ पेंशन, ये आप सभी को यहाँ पे दोस्तों पता ही है। इन द केस ऑफ फेमस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक प्रिंसिपल दैट पेंशन इज नॉट अ बाउंटी बट हार्ड अर्नड राइट ऑफ पेंशनर सिक्योर्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड एंड एनफोर्सेबल अंडर पेंशन अंडर लॉ। सो द ऑनरेबल कोर्ट हैज अपहेल्ड इन द अबव केस दैट वाइल रिवाइजिंग सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, बेसिक पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर शुड बी रिवाइज एंड पेंशनर्स कैन नॉट बी अलाउड टू बी डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्रिएटिंग क्लास विद इन द क्लास इन सिमिलरली प्लेस ग्रुप थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन मेयर्स इज वायलेटिव टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ग्रांटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे लिखा गया है दैट नेक्स्ट इज नो अपडेशन एक्सरसाइज हैज़ बीन कैरिड आउट इन बैंकिंग सेक्टर इन लास्ट 28 ईयर्स, में कोई भी अपडेशन की जो अवधि है वो कोई भी करी गई नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट उन्होंने डिस्क्राइब करा है। सो बेसिक पेंशन एट टॉप इन 2023 सब स्टाफ में इतनी है 14,072, और जो फिफ्थ में है जो हमारे रिटायर हुए हैं अराउंड 1990, उनकी बेसिक पेंशन दोस्तों 755 रुपीज़ है। जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं 13,317 रुपीज़ का। ऐसी जो क्लरिकल्स की जो बेसिक पेंशन है उसका इन्होंने डिफरेंस बताया 22,543। ऐसी स्केल वन का तो ये यहाँ पे जो गैप है वो मैक्सिमम 61,000 के अराउंड जाता है स्केल 7 तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, सो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ इट कैन बी सीन दैट सब स्टाफ रिटायर्ड इन 1990 गेट बेसिक पेंशन ऑफ ओनली ₹755, वाइल सब स्टाफ रिटायरिंग इन 2023 गेट बेसिक पेंशन ऑफ 14,072। सो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 13,317। सो इन अदर वर्ड्स न्यूली रिटायर्ड सब स्टाफ गेट्स 1663% मोर बेसिक पेंशन कंपेयर टू वन हु रिटायर्ड 23 ईयर्स बैक। सो दिस इज़ अ पोजिशन फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टाफ एज शोन इन अबव टेबल। सो दोज रिटायर्ड इन अर्ली सेटलमेंट आर सफरिंग सेबरली इन एबसेंस ऑफ अपडेशन विच कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द अवेब डेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट है RBI फार्मूला। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय लेटर डेटेड नंबर 5th मार्च 2019 हैज़ अप्रूव्ड अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर RBI पेंशनर्स गिविंग 10% इंक्रीज आफ्टर मर्जर ऑफ DNS रिलीफ एट 4440 इंडेक्स। सो इन बैंकिंग इंडस्ट्री पेंशन स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द मॉडल ऑफ RBI पेंशन स्कीम। सो RBI इज़ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। सो इन व्यू ऑफ दिस एंड लॉजिकली इन ऑल फेयरनेस पेंशन अपडेशन इन बैंक शुड बी डन एज पर RBI फार्मूला एंड DR मर्जर शुड बी 6352 इंडेक्सेस एज पर 11th बेस सेटलमेंट कवरिंग पेंशनर्स अप टू 10th सेटलमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर अपडेशन। सो पेंशन स्कीम इन बैंकिंग इंडस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस एज सोशल वेलफेयर मेजर टू रिटायरीज ऑन द लाइन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन स्कीम टू मेक बैंक रिटायरीज फ्री फ्रॉम वरीज ऑफ वांट सो दैट दे कैन लीड रिस्पेक्टेबल एंड पीसफुल लाइफ इन लास्ट लेग ऑफ द लाइफ।
So adequate provisions were made in pension regulations to define benefits available with statutory granted from the state for timely payment. Further, the Constitutional Bench of Supreme Court, while delivering judgment on 17th of December 1982 in the matter of appreciation, laid down certain basic and fundamental principles like violation of fundamental right as enshrined in Article 14 of the Constitution by creating class within class by denying benefits of liberal pension to early pensioners. तो ये उन्होंने बोला है. And 17th December is celebrated as Pension Day every year. So it is our humble request to honorable members of Parliament to support and request the government to ensure that principle laid down in this historical judgment should be taken into consideration besides financial aspects of the exercise. उसके बाद जो पॉइंट उठाया है, दैट इज़ इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ बैंक. तो ये आपको पता ही है, PSB कंटिन्यू टू पोस्ट इम्प्रूव्ड एग्रीगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज़ 1,37,000 crore, 1,58,000 crore एंड 1,55,000 crore, और जो लास्ट में अभी 1920 में 1,74,000 crore के ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो PSB हैज़ आल्सो नॉट टर्न टू नेट प्रॉफिट 31,820 crores इन द लास्ट एंडेड March 2021. So the performance can be rated spectacular considering contraction in GDP by -7.3% due to COVID-19 pandemic. And it is a very positive sign to see the ability of PSB to further increase lending is evident through capital to risk weighted jo ki 14.04 hai as on March 31st 2021 against regulatory requirement of 10.87. सो NPS भी यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हो रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट ऑल PSBs आर नाउ आउट ऑफ PCRs, रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन देम एंड आर नाउ फंक्शनिंग अंडर नॉर्मल रूल्स. सो दीज इम्प्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स कुड बिकम पॉसिबल ड्यू टू वैल्यूएबल एंड डेडिकेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई टीम ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम. सो वी आर श्योर that these facts will get due recognition while carrying out and finalizing appreciation exercise. तो यहाँ पे so AIB delegates were fortunate enough to get audience with Honorable Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman ji 4 times in last 1.5 years. First time at Bangalore on 20 March 2020, second time at Cochin in February 20, and third time at Delhi on 30th June 21, and fourth time again in Bangalore on 2nd July 21 on appreciation issue. And on each occasion she heard AIBRF delegations with patience and gave positive response. Humne kaafi acha yahan pe response diya hai. Since October 2020, again during her speech in AGM of IBA on 10th of November 2020, we are of considered view that these organization efforts made by AIBRF has helped in creating very favorable climate for operation and task of the committee easier. तो ये एक अपील करेगी है. So more than 1 lakh bank pensioners are 80 and above. For them immediate operation is question of life and death. तो ये AIBRF की तरफ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो हमारे हॉन लेवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट डाली गई है फ्रेंड्स.